दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं देवव्रत नगरवाल, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। और दोस्तों ये है मेरा मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी नहीं सफल हो पाते। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम काफ़ी मोटिवेट हैं, ऐसा भी नहीं कि हम डीमोटिवेट हैं, अच्छा काम करने चाहते हैं पर उसके बाद भी हम सफल नहीं हो पाते, इसका रीज़न क्या है? तो चलिए बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है और क्यों हम इतनी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते और कैसे हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जो अपने शिष्यों के साथ में एक गांव पार कर रहे थे। सो उनको बीच में नदी मिलती है। सो उन्होंने सोचा कि चलो अब थोड़ा नदी का पानी पी लिया जाए और पीने के बाद थोड़ा विश्राम करके फिर आगे हम निकलेंगे। सो उन्होंने एक शिष्य को बोला जाओ पानी लेकर आ जाओ सभी के लिए। सो वो शिष्य गए और जब उन्होंने देखा कि नदी का पानी काफ़ी गंदा है, क्योंकि वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि नदी पर किसान अपनी भैंसों को नहला रहे हैं, महिलाएं अपने कपड़े धो रहे हैं या बच्चों को नहला रहे हैं, तो उसके कारण पानी काफ़ी गंदा हो चुका है जो पीने योग्य नहीं है। सो वापस वो गौतम बुद्ध के पास आते हैं और बोलते हैं गुरुदेव वो पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, हम आपके लिए पानी नहीं ला पाए। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आधे घंटे यहीं विश्राम करते हैं, आप लोग आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद जाइएगा। सो वो शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि आधे घंटे बाद क्या हो जाएगा, भाई हमने तो गए थे अपने पूरी कोशिश की उसके बाद नहीं हुआ। तो फिर वो उनको कुछ नहीं बोलते हैं और वो आधे घंटे वेट करते हैं। जब आधे घंटे हो जाता है तब वो फिर जाते हैं। जब वो नदी के उसी पानी को देखते हैं ना तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वही पानी अब इतना स्वच्छ और इतना निर्मल दिखाई देता है। सो वो देखते हैं कि जितना भी कचरा जो भी मतमैलापन था वो पानी के नीचे जाके धरातल पे जाकर अब जम गया है और जो भी स्वच्छ पानी था अब ऊपर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों तब वो पानी भरकर लाते हैं, गुरुदेव को पिलाते हैं और सारे शिष्यों को पिलाते हैं। तब वो गुरुदेव से पूछते हैं आपको कैसा पता इस पानी में इस तरह का प्रभाव होगा कि आधे घंटे बाद वह स्वच्छ हो जाएगा। सो गुरुदेव जो गौतम बुद्ध हैं वो आंसर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह होती है। दोस्तों हम कभी कभी बहुत काम करते हैं, कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, पर उसके बाद लगातार मेहनत करने के बाद हम अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट नहीं दे पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने रेस्ट लेकर आपने मौज मस्ती करनी है, पर अगर आपको लग रहा है किसी भी काम में अगर आप नहीं कर पा रहे हो सो अपने काम को थोड़ा सा समय दो और उसके बाद फिर से वही काम करो। सो देखिए आप किस तरह से सफल हो सकते हैं, और सफल हो सकते हैं इसलिए मैंने कहा क्योंकि मेहनत तो वहाँ पर भी करनी है। दोस्तों मैंने ही बहुत बार देखा है कि बहुत से लोग एक काम को लगातार करते आते हैं और जब नहीं होता है तो ये सोचते हैं ये काम हमारे लिए बना ही नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ कि एक बार मेरे कहने से ही सही एक काम अगर आप लगातार कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा समय दीजिए और उसके समय के बाद थोड़े से समय के बाद अब वो काम वापस कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके काम होंगे। एक बार आपको अपनी सोच बदलनी होगी दोस्तों, क्योंकि सोच बदलती है तो दुनिया बदलती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको कमेंट करने हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर इस चैनल पे आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं मोबाइल रिपेयरिंग से थ्रू या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर UMC के थ्रू तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी ना एक दिन मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि किसी ना किसी ने एक दिन मैं आपके दिल में जरूर बैठ जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।